अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आपका वेलकम। और आज मैं आपको लाहौरी चने बनाना सिखाऊंगी और ये इतने मज़े की रेसिपी है और ये लाहौर के फेमस और स्पेशल चने हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि जब आप इसको ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी को और इंशाल्लाह आप लाहौर के स्पेशल चने को भूल जाएंगे। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने लिए 1.5 पाव के करीब सफ़ेद चने और मैंने पूरी रात इनको पानी में भिगो दिया था। इसके बाद मैंने इन्हें प्रेशर में डाला और कुछ पानी डाला और इसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से गला दिया था। आप ये देख सकते हैं कि चने कितने अच्छे से गल चुके हैं। एक प्यारा सा पतीला लेंगे और सबसे पहले हम इसमें आधी प्याली के करीब तेल डालेंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे और मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, आप ये देख सकते हैं। प्याज की हम तेल में भुनाई करेंगे और आपने इसे लाइट गोल्डन करना है। प्याज की थोड़ी सी भुनाई के बाद अब हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, सब्ज इलायची, लौंग और दालचीनी। इसके बाद हम इनकी भुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और तकरीबन मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून ऐड करूंगी। मजीद हम इनकी भुनाई करेंगे जब तक अदरक, लहसुन और प्याज लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम जीरा डालेंगे। इन सबको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आधी प्याली हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद मजीद हम इसकी बुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें चने डालेंगे और चने डालने के बाद हम मजीद इसकी बुनाई करेंगे थोड़ी सी। एक प्यारे से ग्राइंडर के जग में सबसे पहले हम इसमें 1 प्याली चने ऐड करेंगे। चने ऐड करने के बाद इसमें एक मैंने आलू लिया और मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब आलू को भी जग में डालूंगी और मैं इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड करूंगी। इन दोनों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इस मिक्सचर को मैं चनों में ऐड करूंगी और इन सब की मैं दोबारा से बुनाई करूंगी। और आपने इतनी बुनाई करनी है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो तेल है वो नजर आना शुरू हो जाए। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इनकी बुनाई कितने अच्छे से कर ली है। और यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा गिलास। आंच को हम तेज करेंगे और जोश आने देंगे। जोश आने के बाद हल्की आंच पर हम इसको पकने देंगे जब तक तरी नजर ना आना शुरू हो जाए और सालन हमारा अच्छे से तैयार ना हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और 2 हरी मिर्ची डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि सालन हमारा कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। इस पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। और जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, मसाला जात इस्तेमाल किए हैं, आप अपने जायके के मुताबिक इसमें इस्तेमाल करें। सालन हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देख सकते हैं लाहौरी चने हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से इनाम है, हमारे लिए तोहफा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।